पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरा नाम कोमल महमूद है, मैं IMCG किरपा से आई हूँ, ठीक है। नीलोर सेक्टर में है ये किरपा। तो ये हमें एक मौसूल हुआ कुछ ही दिन पहले, हमारे एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे कि आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं और PNCA में आपने इसको प्रेजेंट करने जाना है। तो हम बड़ी एक्साइटेड हुए, ठीक है, ज़ीरो हुई हमें कि हमने इसको प्रेजेंट करने के लिए PNCA में जाना है। तो फिर हमने अपनी एफर्ट्स जितना भी हम इसमें डाल सकते थे हमने वो डाला, ठीक है। हमने 20% एफर्ट की होगी तो अब उसका रिज़ल्ट हमें 100% मिलेगा। इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया ये सारा, क्योंकि वो रूरल एरिया है इस्लामाबाद का, तो इस वजह से जो है फिर हम इसे लो कॉस्ट मटेरियल हमें अवेलेबल था, जिससे हमने जितना अच्छा बना सकते थे हमने वो बनाया। ये हॉस्पिटल हमने इस वजह से बनाया था कि हमारे जहन में ये था कि हमने डॉक्टर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ था, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस उनकी जो सर्विसेज थी उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने ये सब कुछ तैयार किया था, ठीक है। तो ये जो कोरोना वायरस का हमने मॉडल बनाया था, ये हमें कहा गया था कि आपने बनाना है और उसको रिप्रेजेंट करना है, इसको डेमोंस्ट्रेट करना है। तो हमने इसका आउटर इनर स्ट्रक्चर हमने बनाया इसका, ठीक है। ये इसका RNA है, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये इसके HEs हैं, ये इसका M-प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सारा जो इसका इन्वेलप है, ठीक है, ये भी सारा इसको प्रोटेक्ट करता है, इनर पार्ट ऑफ द कोरोना वायरस। तो ये सारा प्रोटीन से बना हुआ है, दीज स्पाइक्स जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। जब हम अपने हाथों को धोते हैं साबुन के साथ, तो ये साबुन बेस होती है एक्चुअली, जब आप केमिस्ट्री पढ़ें, pH स्केल्स के बारे में पढ़ें, तो वो रिएक्शन करते हैं दोनों प्रोटीन के साथ, ठीक है, करता है, सोप करता है रिएक्शन प्रोटीन के साथ, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है और फिर वायरस इस काबिल नहीं रहता कि वो हमारे ऊपर अटैक कर सके, ठीक है। एक बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा जाता है बहुत सारे लोगों से कि कोरोना जो है हीट सेंसिटिव है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में क्यों है, ये अरब कंट्रीज़ में क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है कि कोरोना जो है हीट सेंसिटिव है, जब ये हीट वाले प्लेसेस पे हो तो ये इनएक्टिव हो जाता है, जब हम उस चीज़ को छुएं, फॉर एग्जांपल इस जगह पे कोरोना है, ठीक है, धूप है यहाँ पर, वो इनएक्टिव है। हम मैंने उसको छुआ, मैंने अपने मुंह को छुआ, ठीक है, आँखों को वगैरह को छुआ, तकरीबन हम तो एक घंटे में 28 मरतबा तो अपने चेहरे को छूते हैं, तो वो हमें अपने बॉडी के अंदर ले गई, तो वो ऑब्वियसली हमारे इनहेल करेंगे, हम तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना अटैक करता है कोविड, वो हमारे लंग्स पे करता है, ठीक है। तो एक ये सवाल था, क्योंकि वो अब बाहर तो वो इनएक्टिव है, जब हमारी बॉडी में गया उसको वो इन्वायरमेंट मिल जाएगी जो उसके रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक्टिव होने के लिए वो प्रोवाइड हो जाएगी, तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो कोरोना वायरस की वजह से पेंडेमिक जब आया, कोरोना की वबा आई हमारे मुल्क में, वो पूरी दुनिया में ही आई, बहुत तेज़ी से फैली, तो ये जो डॉक्टर्स थे इन्होंने अपनी जान जोगन पर लगाकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काविशें की, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही थी, तो रातों रात वो सोते भी वहाँ पर ही थे, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक जो हो गए थे। तो इस वजह से डॉक्टर्स का भी हमने कहा कि चलें साथ ही हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश कर देते हैं, इस वजह से ये हमने बनाया था। तो बेसिकली जो हमारी अवेयरनेस हमने प्रोवाइड करनी थी पब्लिक तक, वो कोरोना वायरस के बारे में थी, ठीक है। तो एक और बात जो कि कही जाती है कि कोरोना वायरस जो है वो 2019 दिसंबर में आया था इसके चाइना के शहर वुहान में, लेकिन ये बात हकीकत नहीं है। अगर आप इसके ऊपर इनडेप्थ रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये जुलाई या फिर अगस्त में आया था 2019 की, क्योंकि जब उन्होंने रिसर्च चाइनीज़ ने की तो उन्हें पता चला कि हमारे हॉस्पिटल्स की पार्किंग एरियाज़ में गाड़ियों की रश ज़्यादा हो रही है, पेशेंट्स की रश ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वो इसको पिक नहीं कर पाए थे, ठीक है, इसको समझ नहीं पाए थे कि ये जो वायरस है ये कोरोना वायरस है, क्योंकि कोरोना वायरस अपनी हैयत बदलता रहता है।